हेलो फ्रेंड, आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि आपका सिलाई मशीन का धागा जो है नीचे का बिल्कुल खराब आ रहा है, गुच्छा जैसा निकल रहा है, तो उसे कैसे सही करें। तो पहले जो है आपको सिलाई करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद जो है सही करके बताएंगे। तो इस कपड़े पर सिलाई कर रहे हैं और देखिए कैसा धागा सिलाई मशीन दे रहा है। यह जो सिलाई मशीन है उषा का नहीं है, मैक्सिमा सिलाई मशीन है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है सेम है जैसे कि उषा सिलाई मशीन का रहता है। छोटी सिलाई मशीन है, हाफ शटल का। इस पर जो है सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जो है सही करेंगे। तो आप ऊपर का धागा देख सकते हैं सही आया है और नीचे का जो है ऐसा धागा आ रहा है, देख सकते हैं गुच्छा जैसा धागा जो है इस तरह से निकला है, खराब सिलाई हुआ है। तो इसको जो है कहाँ से सही होगा। तो यह जो प्रॉब्लम है बिल्कुल छोटा प्रॉब्लम है और नॉर्मल है। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, आपके कोई भी मशीन हो तो इस तरह का प्रॉब्लम, छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है आते रहता है। तो आपको कैसे सही करना है, तो पहले जो आपको धागा जो है मशीन का चेक करना है। जैसे कि हम लोग धागा डालते हैं तो यहाँ से डालते हैं, फिर यहाँ डालते हैं, फिर यहाँ डालते हैं, फिर यहाँ, और उसके बाद सुई में। तो आपको जो जब यहाँ आप धागा डालते हैं तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, जैसे कि ऐसे करके भी। और यहाँ से जो धागा है यहाँ से लू जैसे निकलेगा तो क्या होगा, आपका सिलाई मशीन का जो सिलाई है नीचे का बिल्कुल ख़राब आएगा। तो आपको जो है इसको थोड़ा सा टाइट करने का ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा और आपका जो है धागा यहाँ से कटता होगा। तो इस पर जो है एक दो बूंद मशीन का जो तेल है उसको डाल दीजिएगा, धागा जो है अच्छा निकलेगा। और टाइट करने के बाद आपको चेक भी कर लेना है, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, धागा जो है बार बार टूटेगा। जैसे कि नीचे जो है बोबिन केस का जो धागा है, यहाँ से जो बोबिन केस का धागा निकलता है सेम वैसे ही यहाँ से निकलना चाहिए, दोनों धागा एक समान निकलना चाहिए। कोई भी मान लीजिए एक नीचे का धागा जो है लूज है, ऊपर का धागा टाइट है, तो क्या होगा, धागा जो है खराब आएगा। दोनों धागा सेम निकलना चाहिए, जैसे कि यहाँ का जितना टाइट है उतना टाइट यहाँ का निकलना चाहिए। नॉर्मल ही दोनों रखना चाहिए, ज़्यादा टाइट होगा तो धागा भी टूटता है। तो यह जो है सही है, यहाँ से जो है थोड़ा सा टाइट कर लिए हैं। उसके बाद जो है सिलाई करके आपको दिखाएंगे कैसा सिलाई हो रहा है। यहाँ पर सिलाई करेंगे, यहाँ से टाइट कर लिए हैं और इसमें भी चेक आपको कर लेना है। जैसे कि धागा का रेशा वगैरह इसमें फंसा रहता है तो क्या होता है, नीचे का सिलाई जो है खराब आता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर का जो सिलाई सही है और जो नीचे का सिलाई है आप पास से देखिए सही आया है। जो यहाँ पर हम सिलाई किए हैं नीचे का सही आया है, पहले का जो सिलाई था ऐसा निकल रहा था खींच खींच के। आपको जो है यहाँ से थोड़ा सा टाइट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप टाइट कर दीजिएगा तो आपका सिलाई मशीन का सिलाई जो है सही आएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और घर पर आप इस तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो आपको जो है इस तरह से घर पर सिलाई मशीन रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।